अगर वो एक्टिंग में ना आती, अगर वो टीचर होती ना, सच में मैं ना कर पाता। मैं लाइफ में ना इतना डीमोटिवेट हो गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बीयू पे। तो आज हमारे बीच है एचआर 26 गैंग से मिस्टर अनूप चहल। तो भैया कैसे हो आप? एकदम भाई फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ। बस बहुत टाइम से हम प्लान भी कर रहे थे करने का, है ना, सडनली वो ट्विस्ट बना के चल भाई आज कर लेते हैं। हाँ भाई ऐसे ही हो गया था। तो कैसा, अभी तो नई नई फॉर्च्यूनर लिया है, क्या स्वाद चल रहा है जिंदगी में भाई? एकदम मतलब मजे ही आ गए, फॉर्च्यूनर लेते तो ऐसा लग रहा है भाई। बट सच में सॉरी उस दिन के लिए मैं नहीं आ पाया था। हाँ भाई सॉरी तो बात थोड़ी बनेगी। कोई बात नहीं, पॉडकास्ट के बाद हम कहीं चल लेंगे भाई। हाँ भाई पार्टी करनी है। हाँ वैसे भी गर्मी हो रही है तो कुछ ठंडा गर्म पी लेंगे। हाँ भाई डन है। फिलहाल तो आप कॉफी एंजॉय करो और पॉडकास्ट को करते हैं हम शुरू। जी भाई बिल्कुल। सो और बताओ लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग, लाइफ को किस नजरिए से देखते हो आप? भाई लाइफ को ना मैं बस इस नजरिए से देखता हूँ कि ना लाइफ ना बोरिंग ना होनी चाहिए। कुछ भी हो मतलब बोरिंग ना हो, मतलब मस्त चलती रहे, एंजॉय आए, मतलब जो भी हमें काम करना है ना वो मतलब ऐसा ना लगे कि हमें काम करना है भाई, उसमें एंजॉय करना है, मतलब एंजॉय भी हो जाए यार अपने प्राइवेट कॉलेज में मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ। अच्छा ये सच बात है? और ये किसी को पता नहीं है? हाँ भाई किसी को ना पता। हाँ मैंने ना करीबन 5-6 साल जॉब करी है। जैसे स्कूल में पीटीआई होता है ना, तो कॉलेज में डीपी होता है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उस पे किया था मैंने 5 साल भाई काम किया उस पे। तो वहाँ कॉलेज में रहते रहते ना, तो मुझे एक जैसे सपोर्ट्स कराना बच्चों को, या फिर थोड़ा डिसिप्लिन देखना, किसी की लड़ाई तो ना होगी, कुछ ये तो ना होगी, ये देखना होता था। उसके बाद ना उन्होंने मुझे एक काम दे दिया, नुक्कड़ नाटक का। जैसे नुक्कड़ नाटक के ना 15-20 बच्चे थे भाई, तो उन्हें कहीं जैसे शो करने जाना है तो उनके साथ जाना, मतलब उनकी उनका पूरा रेख देख मुझे करना भाई, उन्हें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ, वो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ कि भाई वो एक्टिंग कर रहे हैं। और भाई फिर ना मैं 4-5 दिन में उन्हें बताने भी लग गया कि बेटा गलत कर रहा है तू, इसको ऐसे कर ऐसे कर। वो भाई करीबन 1-1.5 महीने में ना उनके साथ साथ भाई मैंने अपनी एक्टिंग भी थोड़ी शार्प कर ली। क्या बात है। हाँ भाई तो फिर मैं कहा भाई ऐसे बात तो ना बनेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे एक राहुल नाम का लड़का था, तो उसे ना फेसबुक का शौक था। उसने कहा कि सर एक रील सी बना के डाल लूं। मैं कहा डाल ले भाई। तो ऐसे उसने रील डाली तो उसके पास भाई 3-4 हजार व्यू आ गए थे। तो उसने आके मुझे दिखाया, उन्होंने कहा सर आप ये करो ना। तो भाई फिर मैंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया एकदम उसके कहते ही। उसके कहते भाई मैं जॉब भी चल रही थी मेरी, और भाई फिर ये भी चल रहा था, मतलब दोनों ऐसे बैलेंस चल रहे थे जॉब के साथ ही आप कर। हाँ भाई मतलब सुबह 9 बजे जॉब पे पहुंचना और 4 बजे घर आना, फिर शाम को वीडियो शूट करना, रात को एडिट करना, अगले दिन डालना भाई। हाँ आजकल मेरी भी यही लाइफ चल रही है। बहुत भाई मुश्किल हो जाता, मतलब वो चलता रहा। मतलब ना मेरे दो पहलू चले, एक तो भाई कॉलेज की लाइफ की मतलब जॉब करनी है भाई, दूसरी ये यूट्यूब वाली। चलते चलते मैंने ना मतलब शुरू में एक वो बना लिया कि जिस दिन मेरी जॉब तय दुगने पैसे इस तक आ जाएंगे उस दिन भाई मैं रिजाइन दे दूंगा। और जिस दिन आए ना भाई मैंने अगले दिन टेबल पे जाके भाई रिजाइन रख दिया भाई, जो भी छोड़ दी। फिर मैंने मतलब मैं इसके लिए हूँ भाई। घर वालों ने कुछ नहीं बोला भाई? बहुत कुछ बोला। बताओ जरा क्या बोला भाई? मैं रिजाइन दे के आ गया भाई घर पे। तो मैं मतलब फिर भी भाई मैं ना कंफ्यूज था पूरा। मैं कहा भाई ये मेरी लाइफ की कोई सबसे बड़ी गलती तो ना कि भाई मैं अपनी जॉब पे रिजाइन दे के आया हूँ। तो वाइफ ने बता दिया पापा को कि रिजाइन दे दिया। पापा कह रहे भाई क्या बात होगी, क्यों रिजाइन दे दिया? मैं कहा पापा करना ना मुझे, मतलब जॉब ना करूंगा, मतलब सुबह अपना लंच बॉक्स लेके जाना और फिर आना, मतलब लाइफ बोरिंग लग रही है। उन्होंने कहा भाई क्या करेगा? मैं कहा मैं वीडियो बनाऊंगा। पागल है क्या तू? तेरा दिमाग खराब हो गया? मतलब इतनी अच्छी इज्जत बन रखी है, सब मास्टर जी कह रहे हैं तुझे, और तेरा अच्छा नाम हो रखा है, सब जानते हैं यहाँ, और तू भाई यू क्या कर रहा है तू? मगर पापा बस 1 साल का टाइम दे दो, बाकी मैं फिर दोबारा कर लूंगा। तो
बस एक साल का भाई वो टाइम मिल गया और उसमें भगवान की ऐसी कृपा रही भाई चल निकले, अब इतनी दिक्कत ना होती। मतलब कभी कभी तो कुछ ऐसी वीडियो देख ले ना, फिर तो कहने लग जाए यार भाई चलो अब खुश है, मतलब कोई दिक्कत ना भाई। तो शुरू में कैसे आपने अकेले शुरू किया था या आपका आपका कोई ग्रुप था? वो क्या था जैसे ना वो कॉलेज के मैंने बताया नुक्कड़ नाटक के जो बच्चे थे ना उनमें से तीन चार बच्चे ऐसे थे उन्हें शौक था कि भाई गुरु जी कर लो, मतलब हम आ जाएंगे एक बार कर लो, हमें भी अपना टैलेंट दिखाने का वो मिल जाएगा। तो मैं फोन से करता था तो तीन चार वीडियो तो भाई उन्होंने कराई, फिर मतलब परिवार के बच्चे और मेरी टीम में ना जो मेरे साथ पढ़े थे मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड जो बचपन के भाई वो धीरे धीरे वो सारे मिल गए। उनका आज भी मेरा उनका ही ग्रुप है, जो बच्चे मेरे साथ बचपन से पढ़े ना आज भी मेरी टीम भाई वही है जो आज तक करीबन 25-30 साल पहले थे भाई हम। सीरियसली भाई वो बंदे आज भी मतलब मेरे साथ खड़े ही हैं भाई। तो अभी कैसा रहता है शेड्यूल, कैसा रहता है? अब तो भाई शेड्यूल ऐसा होता है जैसे एक तो हमारी फरीदाबाद रॉकर्स टीम होगी, एक एलविश यादव टीम होगी, दो मतलब दो चल रही है इस तरीके से। जो मेरी फरीदाबाद रॉकर्स टीम है उसमें तो मेरी वाइफ है रानी चहल, वो फूल सिंह, मतलब मैंने ना सबके नाम बदल रखे हैं भाई। अच्छा, ये सच्चाई है, जो उनके रियल नाम है ना वो चेंज कर रखे हैं भाई, मतलब रियल नाम से कोई ना है। ओके, जैसे एक है मेरे बचपन का दोस्त संजय कुमार भाई, उसका नाम रखा मैंने फूल सिंह। हाँ मगर सब तो हटके हो गए तो पब्लिक को मजा आएगा। एक था भाई राज नागर, उसका नाम रखा मैंने टेडा शर्मा। एक था भाई कपिल, उसका नाम रखा पेप्सी पंडित। मतलब सब एकदम हटके जो पब्लिक कहे भाई क्या ही है। तो इस तरीके से भाई वो सारे वहां संभालते हैं, मैं एल्विस भाई के साथ चल रहा हूँ, मतलब दोनों भाई सही चल रहे हैं इस हिसाब से। तो एल्विस भाई के साथ कैसे कोलैब हुआ? एल्विस भाई के साथ भाई यार ये तो बहुत मतलब मैं लाइफ में ना इतना डीमोटिवेट हो गया था, मैं डीमोटिवेट होता ना लेकिन भाई एक ने ना इतना डीमोटिवेट कर दिया मैंने ना भाई यूट्यूब छोड़ने का फैसला ले लिया भाई। तो सबसे पहले ये वाला बताओ कि डीमोटिवेट होने के बाद फिर मोटिवेट कैसे हुए? हाँ ठीक है भाई, मतलब आज भी ना मतलब मेरी रूह कांप जा भाई उस चीज को देख के, मतलब मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि भाई यूट्यूब क्या मतलब सोशल साइट पर रहना ही ना मुझे। क्या हुआ कि ना जैसे मैं फरीदाबाद रॉकर्स पे ही करता था भाई उस टाइम, तो मुझे लगा अगर मुझे अपनी एक्टिंग शार्प करनी है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मतलब जाके अलग अलग जो यूट्यूबर उनके साथ जाके ना तो अपनी एक्टिंग शार्प होगी, उनके साथ भी करेंगे और हमें भी फायदा होगा उन्हें भी होगा, इस हिसाब से चलता था। तो भाई मैं नाम ना लूंगा, नाम लूंगा तो भाई वो बदनाम हो जाएंगे। ठीक है ठीक है अगर भाई नाम ले दूंगा भाई वो बदनाम हो जाएंगे। तो भाई उनका कॉल आया मेरे पास कि आप हमारे ना एक टीचर का रोल आप करोगे? मगर हाँ मैं कर लूंगा। उनका तो टाइम, मगर जो आप बताओ मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ भाई, अगर इतने बजे तो मैं वहां खड़ा ही मिलूंगा हर टाइम, मतलब ये है मेरा लाइफ का ही ये शेड्यूल है भाई। क्या हुआ जैसे ना दिल्ली के हैं वो, उनकी कॉल आई मेरे पास कि भाई 9 बजे आ जाओ नेट। मगर ठीक है भाई, मेरे पास एंडेवर थी उस टाइम पे, मैं भाई रोड पे लेकर उतरा जाम ही जाम। मगर भाई अगर मैं लेट पहुंचा तो क्या ही बोलेंगे कि भाई ये बंदा तो लेट आ रहा है। मैंने वो ना मेट्रो की पार्किंग में लगाई और भाई मेट्रो में चढ़ गया, मेरे साथ एक और लड़का था भाई, हम दोनों वहां सूट पे नाइट 9 बजे पहुंच गए भाई, और तो कुछ भी ना चाय पी के गए वहां पहुंच गए। उनके पास फोन किया, मैं कहा भाई हम तो आ गए, वो कह रहे हमारी स्कूटी पंचर हम अभी आ रहे हैं। मगर ठीक है आ जाओ। तो भाई वो आने के मतलब फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया भाई, अब भाई हमें बज गए 1:09 भाई। अब फिर मेरे दोबारा कॉल करने की इतनी आदत ना, फिर मैंने हिम्मत करी मैं एक बार पूछता हूँ कहाँ रह गए, तो वो कह रहे बस अभी पंचर लग गया आ रहे हैं। भाई मेरी बुद्धि सी खराब होगी, मैं भाई 9 बजे तक 1 बजे तक पंचर लगा तो कब तक ही आएंगे। तो भाई वो आ गए 3 बजे भाई, वो उनकी एंट्री होगी, आके बोलते हैं क्या हाल है भाई, मौका बढ़िया एकदम आओ, और आप कपड़े वगैरह लेकर आए जो ब्लेजर वगैरह बताए थे? मैं हाँ भाई मैं लेकर आया हूँ। कहो तो चलो सूट करते हैं। मैं चलो भाई, एक छोटा सा ऑफिस था वहां बिठा दिया। तो मैं भाई कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ दे दो, मैं बोल दूं उनका नाना आपको बस ये बोलना है कि बच्चे की फीस दो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने बता दिया। तो भाई उसमें दो तरीके होते हैं, आज मैं बताता हूँ। जैसे किसी भी बात को हम बोलेंगे ना तो भाव उसमें जरूरी है भाई, अगर हम किसी को डांट रहे हैं किस तरीके से कैसे भाव है ना, इमोशंस होने चाहिए ना बिल्कुल। अगर अगला बंदा बताएगा ना तो भाई क्या ही करेगा, मैं क्या करूंगा आप क्या करोगे। करेक्ट। तो भाई मैं बैठा गया, मुंह पे कैमरा लगा दिया और मैंने बोला कि मगर बच्चे की फीस नहीं, मजा नहीं आ रहा।
तो जैसे भाई वो गजनी, वो कौन सी मूवी थी, गजनी थी शायद, उसमें ना करते उसको ब्लेजर उतरवा देते हैं। हाँ हाँ, ऐसे मेरे साथ करा, उनके वहां ना कोई लड़का काम कर रहा था, उसको बोला इधर आओ आप करो इस सीन को, मेरे तक आप अपना ब्लेजर उतार के दे दो इन्हें। भाई मैंने ब्लेजर उतार दिया, उसे दे दिया, मैं साइड में बैठ गया भाई। अब भाई उसका उन्होंने सीन करा लिया, मतलब एक रीटेक में, मतलब एक एक रीटेक में साइड भाई। अब मैं सुबह का गया हुआ और भाई दिमाग खराब हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि हम कितनी प्रैक्टिस करके सीन करने जा रहे हैं और आके भाई बंदा कुछ ऐसे कह दे। तो उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, आप ना थोड़ी मेहनत करो, आपको मेहनत की जरूरत है। ठीक है भाई, मैं चल दिया। तो ना एक मतलब हर इंसान का होता है, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल वो फील होती है, फील होती है भाई। उन्होंने ना रोका मैं, नुका आप कुछ कहना चाहते हो, इस तरीके था भाई कि आपके मन में कोई बात तो ना कुछ कहना चाहते हो। भाई मैं रुक गया, मेरा दिमाग सुनसा हो गया था। मैं कहा मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहा इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है आपका, सब चीज अच्छी है, तो सीन किसी और तक करा रहे थे तो ब्लेजर अपना ही ले लेते। सही बोला आपने। हाँ वहां तो भाई मैं आ गया, तो मैं मेट्रो में बैठ गया। मेरे ना भाई दिमाग में वो बात पता ना वो कर गई मुझे भाई, चुभ गई वो बात, और वो ही चल रही। मैं रात को मेट्रो में बैठा भाई, लाइट इधर उधर जाए और भाई वो बात ना मेरे सिर में गूंज रही। और मैंने सोचा मैं कहा भाई मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ, मैं एक्टिंग के लिए भाई मैं बना ही ना हूं। और जो मेरे साथ लड़का था वो भी बेवकूफ, और वो बार बार ये बोले भाई तेने कुछ बोला क्यों ना भाई, ये कर देते वो कर देते भाई, और ज्यादा दिमाग खराब। मैं घर पहुंच गया, मैंने घर वाइफ को जाके बोला, मैं कहा भाई काटा, मैं कभी यूट्यूब ना करना, मैं एक्टिंग के लिए ना बना। तो उसने बोला कि ठीक है। हमें पता लग गया कि जो आपका रिमोट है ना वो उनके हाथ में है, ये मैम ने बोला। हाँ ये वाइफ ने बोला मेरी, ने रानी चहल ने, कि कब हंसना है कब बोलना कब क्या काम करना वो डिसाइड करेंगे। तो भाई मैं थोड़ा चुप सा हो गया। वाइफ ने बोला कि छोड़ दे यूट्यूब, छोड़ दे कोई दिक्कत ना, लेकिन उनके कहने पे मत छोड़िए मुझे बुरा लगेगा। बेसकते छोड़ दो लेकिन उनके कहने पे मत छोड़िए मुझे बुरा लगेगा। मैं ये चीज कह रही हूँ, एक दो महीने और कर लो, मन ना लगे तो छोड़ दियो। मगर ठीक है भाई, फिर कहते हैं ना जैसे एक कहावत है, अगर आपको डुबाने वाले 10 है ना तो बचाने वाला एक होता है, बस हमें वो एक देखना भाई। राइट हाँ, ये इतनी बात होगी भाई, मैं सो गया। देखो किस्मत का खेल है भाई सारा, मैं फुल डिमोटिवेट भाई, मुझे रात को नींद नहीं, मैं सुबह 4 बजे सोया था। तो भाई एक ग्रुप बनता है, है एक ग्रुप बनता है, उसमें मैंने देखा ग्रुप में ये लिख रखा तुझे भाई ये कपड़े लेकर आने, ये इस तरीके की। मैंने देखा भाई ये कौन है, एलिश भाई का कोई नंबर ना, मेरी कोई बातचीत ना थी, मतलब मेरा मन था कि भाई कभी एलिस भाई के साथ काम करूंगा मैं, लेकिन मेरी कोई सीधी बातचीत नहीं थी। एक ग्रुप बन गया भाई, ग्रुप में बनकर उसमें सीधी बातचीत हो रही। मैं कहा भाई ये क्या है पता ना, मैं ये देख रहा सारे अनोन नंबर भाई। अब मैं कहा भाई मैं ग्रुप में पूछूं कैसे कि कौन है भाई, मुझे क्यों जोड़ा है। हां फिर ये लिख रखा नु भाई आप इतने बजे वहां पहुंच जाना, ये कपड़े लेते आना। तो मुझे पता चल गया कि एलविस भाई है, क्योंकि एलविस भाई के फोटो आ रहे उसमें और ये बात हो रही। ओके मैं कहा नॉट पॉसिबल भाई, हाँ, कि ये रातों रात कैसे चीज हो गया, कैसे हो गया भाई। मेरे पास ना नंबर, और मैं मिलना भी चाह रहा था उस टाइम, और भाई मैं मिल भी ना पा रहा था। तो एक प्रदीप भाई करके उनका फोन आया कि भाई मैंने अलीश भाई को आपका नंबर दिया और टीचर का रोल है, और भाई वहां जाके पहुंच जाइयो। मैं कहा अच्छा भाई, मैं एकदम सारी यार सिस्टम बात बन गई। तो भाई उसके बाद हम, मैं सुबह अपने वहां पहुंच गया, एलिश भाई मिल गए थे गुड़गांव में। एलिश भाई ने जाते ही पहचान को, और भाई कैसे हो काम करते हैं, तो हमारी पहली स्कूल वाली वीडियो थी भाई। उसमें टीचर का रोल था भाई, वहां करी भाई को, मतलब कुछ ठीक लगी होगी एक्टिंग। भाई ने कहा कि यार भाई मजे आ गए, हाँ इसको ऐसे और करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरीके से भाई हमारी ना बॉन्डिंग भाई फिर बनती चलेगी भाई। ये हमारी अली भाई से मिलने की मतलब ये शुरुआत, ये स्टोरी थी, मतलब सडनली कुछ ऐसा हाँ हुआ कि वो पर्सनल कनेक्ट अपने आप ही हो गया। अपने आप हो गया। मैं कह रहा था ना कि मतलब जब मेरा माइंड ना ये काम कर रहा था कि भाई अब तुझे सब दबाने वाले हैं, सब ये सोच रहे कि खत्म हो जाए भाई, तू है ना इस लाइन के लिए ना, तो भाई फिर एक हाथ आता है वो ऊपर खींचता है, वो कहता है कि भाई तू इसी काम के लिए, और यही करना है तुझे। हाँ भाई ये था। तो अभी मेरे दिमाग में ये चीज आई, पर्सनली मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ,
डीमोटिवेट होना और मोटिवेट होना दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, सेम जैसे सक्सेस और फेलियर है। तो क्या लगता है फेलियर लाइफ में जरूरी है? भाई देखो, अगर अगर हम फेलियर ना होंगे ना तो हमें जीत का एहसास कभी लाइफ में होगा ही नहीं, ना जीत की खुशी होगी, ना एहसास होगा, कुछ भी ना होगा। अगर हम हर टाइम भाई जीत रहे हैं, हर टाइम बंदे के पास पैसा है, खुशी है, सारी चीजें, तो भाई उसे उस चीज में खुशी मिलेगी ना? खुशी जब मिलेगी जब हमने वो दिन देख रखा है भाई, हमने गरीबी देख रखी है तो हमें पैसे का पैसे की खुशी है भाई, हमने पैदल बसों में धक्के खा रखे हैं तो हमें गाड़ी की खुशी है भाई, जब जब है उस चीज की खुशी। अगर भाई सारा अच्छा अच्छा चल रहा है तो भाई क्या ही अच्छा, अगर टाइम से पहले सारी चीज मिल जाए तो भाई जिंदगी बोर ही हो जानी है। और सक्सेस को कैसे मेजर करोगे? भाई देखो, जैसे अब इसमें ना दो चीजें, एक तो होता है कि आपके पास गाड़ी है, अच्छी मकान है, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, क्या यही सक्सेस है या इसके बियॉन्ड भी है, इसके आगे भी कुछ है? आप ये आपका थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा हूं। भाई देखो, मेरा ये है कि मेरा मानना ये है, मतलब अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं बिल्कुल, कि गाड़ी, अच्छा बंगला, पैसा, मैं इस चीज को सक्सेस मानता ही ना भाई, मैं उस चीज को कामयाबी मानता हूँ। हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों माँ बाप सब के साथ खुश हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं ना भाई, सारी चीज खड़ी है भाई, वो सक्सेस है मेरे लिए। सिस्टम, हाँ सिस्टम भाई। आज भाई मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं, भाई मेरे साथ खड़ा है, मेरे मेरे भाई मेरे 30 साल पुराने दोस्त मेरे साथ खड़े हैं भाई, आई थिंक यही सक्सेस है, ये मेरी कामयाबी, ये लोग भाई मैंने जीत रखे हैं, ये मेरी कामयाबी भाई, ये क्या ये तो भाई जिंदगी में आता जाता रहेगा भाई, अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, सब चीज भाई। तो इतने टाइम में घर वालों का जब पहले जब रिएक्शन था कि भैया वीडियो करेगा, आज की डेट में क्या रिएक्शन है? भाई मैं बताता हूँ कि शुरू में ना पापा ने बोल ही दिया कि भाई मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि भाई ये ना जैसे डीमोटिवेट करने वाले, मैंने बताया ना लोग कैसे होते हैं, भाई मेरी वीडियो की कटिंग ले जाके ना, जैसे क्या होता है, मेरा टर्की रोल था, टर्की टीचर का रोल मेरा अच्छा फेमस चलता है भाई, उसकी कटिंग काट के भाई पापा के सामने रख देते हैं, उनके भाई क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, समाज में बोलने लायक ना छोड़ेगा ये, मतलब इस तरीके की बात करने लगे, तो पापा कहते थे उनके भाई मतलब गाँव में ना मतलब थोड़ा सा ओड लग रहा है, तू क्या ही कर रहा है, मगर पापा चलने दो, मगर एक साल मांगा, एक साल पूरा ना हुआ तो ना हमारे पास एक भाई सरकारी जो बिजली विभाग है ना DHBBN करके होता है भाई, तो उनकी ना कॉल आई कि हमारे लिए एक बिजली चोरी के ऊपर आप वीडियो बनाओ भाई। अच्छा, हाँ, तो हमने उनके लिए बिजली चोरी की भाई वीडियो बनाई, और उन्होंने ना वो सरकारी प्लेटफॉर्म पे हर जगह भाई वो डाली, और हमें बुला के ना भाई मतलब 11,000 रुपए का चेक दे के सम्मानित किया, मतलब सरकार भाई हमें सम्मानित कर रही है हमें, ये बात है भाई। वो घर आते थे, पापा थे, मिलते थे। एक बार तो क्या हुआ, हम भाई जैसे गांव से ही है, तो मैं ना 10-11 बजे लेट हो गया, तो थोड़ा मैं भैंस को नहलाने लग रहा था भाई, तो पापा अपने घर के बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहे थे जो पार्क है, तो भाई वहाँ SDO और एक्शन साहब जो बिजली विभाग के हुए हैं भाई, वो सरकारी गाड़ी लेके आ गए है कि भाई वो अनुपत मिलना है। फादर साहब डर गए, ये क्या काम कर गया अरे अनुपत है वो कह रहे हाँ जी, उनका अनुप चहलता है, वो कह रहे हाँ जी, उनके बैठो है, पापा को विश्वास ना हुआ, पापा मेरे तक कह रहे ना मिलना है भाई, क्या कर दिए थे ना मगर पापा कुछ ना करा मैंने भाई, मैं जल्दी नहा धोकर आया, ऐसा ना कि भैंस नला रहा हूँ और सीधा जाके वहां खड़े हो जाऊं, वो भी अच्छा ना लगेगा भाई। मैं गया, उन्होंने ना बहुत पापा के सामने मुझे किया कि बहुत अच्छा काम किया तुम्हारी वीडियो ना, उनको आगे तक गई है, सभी ने अच्छा वो किया, तो पापा को फिर लगा कि यार भाई तू अच्छा भी कर रहा है। हाँ मगर ठीक है, मगर चलता है इस तरीके से भाई, खुश हो जा मतलब कर दे हम पापा को खुश, कुछ दिन में अपना चलता रहे भाई। चलता रहता है। हाँ। मैंने एल्विस भाई का एक पॉडकास्ट देखा था रियल इट के चैनल पे, ठीक है, तो उस पे ना हमराज वाली स्टोरी का जिक्र भाई ये क्या कह दिया आपने, क्या था उसके पीछे की ओ भाई यार बता दो क्या? हाँ बिल्कुल बता दो। चलो ठीक है भाई यार, चलो भाई बता देता क्या हुआ कि मैं ना अपने घर बैठ के भाई हमराज देख रहा था, और एलविस भाई को भी आते हैं ना मतलब स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, लिखते तो भाई वो खुद ही है, मैं साथ बैठ जाता हूँ। okay. हाँ लिखते खुद है भाई, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी चलता है उनका दिमाग इस मामले में, स्क्रिप्ट के मामले में, तो हम कई बार घर पे बैठ के लिखते हैं भाई, भाई आगे घर
घर आके कहे स्क्रिप्ट लिखेंगे कुछ। अच्छा मगर चलो ठीक है। तो मैं ऊपर बैठ के हमराज देख रहा था भाई घर। मगर भाई एक स्टोरी बताऊं आपको? नुका हाँ। मैंने भाई हमराज की स्टोरी बताई। नुको अच्छा भाई फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? मगर भाई फिर उसमें ऐसा होता है और भाई हीरो आता है और वो गोली चलती है हीरो उनको भाई मजे आ गए। मगर भाई आपको ये कहीं सुनी हुई लग रही है? मगर नहीं मगर बस तो मगर भाई मगर आपने ना देखी ना मगर फिर किसी ने भी ना देखी। मगर भाई ये हमारी उम्र की कोई है मतलब मंदे टाइम की है कोई? मगर आजकल के बच्चों ने ना देखी। मगर ये है नुको भाई बताओ तो सही कौन सी है? मगर है ही ना भाई कौन सी? मगर ये मेरी है भाई। चलो अब भाई वे फटाफट उन्होंने राइटिंग वाइटिंग करके आगे भेज दी भाई। उन्होंने वो स्क्रिप्ट पैक के हमारी नुको दी हमराज एलविस भाई का मेरे पास फोन आता भाई ये तो हमराज थी। मगर पता लग गया आपको? अरे नुके भाई सबको पता लग गई भाई उसका ये अच्छा रहा भाई मतलब पोल खुल गई भाई मेरी पोल खुल गई आपके ना। इतना टाइम से मैं खुद आपको देख रहा हूँ एल्विस भाई के साथ जो आपके अपने व्लॉग्स बनाते हैं जी। आप अपने आप को ऐसे क्रिएट क्योंकि देखो यूट्यूबर्स मेरे के चैनल पर भी काफी सारे आए हैं ठीक है तो कुछ क्रिएटर्स थे कुछ आर्टिस्ट थे। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने आप को ऐसे क्रिएटर मानते हो या क्रिएटर मानते हो या आर्टिस्ट मानते हो? क्रिएटर मानता हूं भाई क्योंकि हम कुछ ना कुछ चीज क्रिएट करते हैं मतलब सारा कुछ तो भाई संभालते ही हैं हम। हालांकि आर्टिस्ट तो हैं ही भाई लेकिन भाई ज्यादा वो कि पूरे पूरा जो सिस्टम बनाते हैं ना कौन सी चीज कैसे करनी है क्या कोई चीज क्रिएट करना पूरी वीडियो भाई वो हमारे ऊपर ही तो डिपेंड होती है तो भाई क्रिएटर है हम तो। चलो अब आ जाते हैं आर्टिस्ट की तरफ। तो एक्टिंग तो एज यूजुअल आप इतने टाइम से करते आ रहे हो तो उसकी क्या कोई क्लास व्लास ली थी या बस ऐसे घुस गए थे? नहीं भाई मैंने एक्टिंग की अपनी लाइफ में कोई भी क्लास ना ली कुछ ना ली। जैसे मैंने बताया था कि डेढ़ महीने की एक तरीके से मैं उसको क्लास मानता हूँ। मैं मतलब वे अच्छे आर्टिस्ट अच्छे एक्टर जो नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं उनके बीच में रहा भाई मैं। मैंने उन्हें देख के सीखा उन बच्चों से भाई मैंने बच्चों से सीखा मैंने तो भाई इस तरीके से मैं धीरे धीरे भाई शार्प करता चला गया उसको और भाई आज इस लायक हूँ कि परम भाई के साथ। अरे बस ये ज्यादा हो गया ये ज्यादा हो गया ना भाई यार सच में मजा आ गया भाई मिलके आपसे सच में। हाँ बस मेरे लिए यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना। हाँ भाई रियल में ना। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ जैसे आप अपने जैसे जो भी स्क्रिप्ट आप डिजाइन लिखते हो ठीक है जो स्क्रिप्ट आप लिखते हो उसको आप फिर रोल प्ले में करते हो तो कभी कोई ऐसा मुश्किल हुआ कि यार ये रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है? हाँ भाई हमने ना ट्यूशन टीचर की एक तीन एपिसोड की बनाई थी भाई वीडियो एलिस भाई के उसमें था ठरकी टीचर का रोल भाई जो सबसे फेमस है जो सबसे फेमस है भाई। अब मैं बताऊंगा भाई लोग विश्वास ना करेंगे मैं मतलब हुई ना भाई ठरकी भी ना हूं मैं मतलब मैं कुछ भी ना हूं भाई मतलब उस लाइन में तो मैं कुछ भी ना हूं भाई मतलब सीधा साधा इंसान हूं भाई मैं बिल्कुल। लोग विश्वास ना कर रहे भाई कैमरे में देख के लग रहा है लोग विश्वास ना कर रहे भाई ईमानदारी से मैं बिल्कुल सीधा हूँ। तो भाई जो हमने वो उसका पहला एपिसोड करा ना तो एलिस भाई कह रहे कि भाई ये ना जो आपकी जो एक्टिंग है ये मतलब ऐसे जा रही है भाई और हम चाहते हैं ये उतराव चढ़ाव में और मतलब थोड़ी हाइट पे जाए ऊपर तो भाई आप ऐसे करो। तो भाई पूरी क्लास में ना वो बैठे हुए थे भाई लड़के भी लड़की भी कटारिया भी अपना और मतलब लक्ष्य अर्चित सारी मतलब पूरी वो बैठी हुई थी भाई मुझे ठरक पन्ने का रोल करना था भाई मेरा लाल मुंह निकल गया और मतलब हाथ भाई मेरे ऐसे कांप रहे थे भाई मेरे। हाँ भाई मैंने करा एलिस भाई को मजा आ गया उसमें वो कह रहे भाई बहुत तगड़ा एक बार और करते हैं। अब भाई वो ना फिर ऐसा मतलब वायरल गया बहुत मीम्स वगैरह हुए अब वहां तो कर दिया भाई मैंने अब मुझे घर भी तो जाना है घर भी जाना मैं वाइफ को बोल रहा था आज ना कुछ हटके हुई है वहां वीडियो है नुका हटके कैसे है मका हटके मतलब जैसे हर बार होती है उसका थोड़ी सी अलग नुका थोड़ी अलग कैसे ओ मका भाई मैं कैसे कैसे बताऊं ऐसे क्योंकि भाई कोई चीज होगी ना पहले बता दो उसे है ना फंसने थे पहले ही अगर थोड़ी बैकअप लेके चलो बैकअप लेके चलो गया मैंने बोला मका वो ठरक वरक का सा रोल था और कर दिया नुक्का कैसा ओ मका भाई यार कैसा तो मका कुछ ना बस बोलना ही तो था
है कुछ ऐसी बकवास करनी थी भाई, मैंने कर दी। कैसी बकवास? ओ मका भाई यार, अब तो पूरा बताना पड़ेगा। हाँ, पूरा बताना पड़ेगा। मका वीडियो आने थे, रिलीज होने थे पहले भाई, मका कुछ ना उसमें ऐसे ऐसे ये बोलना था ना कि मतलब थोड़ा अजीब ना लगा करने में। मौका बहुत लग रहा था अजीब, तो मगर मैं तो डर रहा था, पर मगर कर दिया भाई, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट है ना, हमें तो कुछ भी रोल करना पड़ सकता है। अच्छा ठीक है, वीडियो आएगी जब देखेंगे। या फिर रिएक्शन क्या था वीडियो देखने का? एंड तो यही है ना, वीडियो देखने के बाद क्या कर रहे थे? एंड बताऊं, आज तक वैसे तो हमारी लड़ाई ना मेरी वाइफ के साथ भाई मेरी मतलब 24 घंटे ना चली, मतलब 12 घंटे भी ना चली, 7-8 घंटे में खत्म हो जाओ। 7-8 घंटे बहुत। हां भाई 7-8 घंटे बहुत है भाई। उसने वीडियो देख ली, वीडियो देख के मैं कहा देख ली वीडियो, कुछ जवाब ना मिला। मैं कहा वीडियो देख ली, कोई जवाब ना मिलो भाई, बोलना छोड़ दे मेरे। मका यार भाई कैसा है, क्या बात होगी न? कुछ भी ना, ठीक है सब। मका मुझे तो ना लग रहा ठीक, मतलब बात तो कर मेरे है न, कर तो रही है बात। मका ये बात करनी वो बात करनी में ना बहुत अंतर है इनमें। फिर मैंने बताया मका भाई ये एक रोल ही तो है। फिर भाई वो समझ गई कि ठीक है, अपने एक्टिंग अपने चलती रहती है। बाकी बीएड वगैरह कर रखी है वाइफ ने, वो टीचर बनना चाह रही थी और भाई हम उसे एक्टिंग में लिया यार। अगर वो एक्टिंग में ना आती, अगर वो टीचर होती ना, सच में मैं ना कर पाता, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट की वो समझ पाता है कि ये एक्टिंग है। बाहर तो यही समझते हैं भाई, बोल ही दिया होगा लड़की को, ऐसे ही होगा। लेकिन एक्टिंग और रियल लाइफ, रियल लाइफ में बहुत अंतर है। अब यहाँ भी कैमरे के पीछे जो कम से कम 10-12 लोग खड़े हैं ना, तो वो थोड़ी दिख रहे हैं किसी को। सही बात है। वैसे जो अभी आपने बोला कि रील और रियल लाइफ में डिफरेंट है, हाँ जी, आपकी पर्सनैलिटी रील पे कैसी है? तो जो जनता वीडियो में देख रही वो तो पता ही है, एक्चुअल में क्या पर्सनैलिटी है बिहाइंड द कैमरा, कैसी पर्सनैलिटी है? मैं भाई बहुत शाय हूँ, मतलब मुझे ना मतलब कहीं अपने रिश्तेदारी में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, मैं कभी भी बिना कैमरा ना लग रहा ना, मैं बोलता ना भाई, मैं बिल्कुल भी, मैं एकदम शांत स्वभाव का। भगवान ने कुछ ऐसा वो देखा, कैमरा लगते भाई मैं चालू हो जाता हूँ। वैसे ईमानदारी से भाई मैं ना बोलता, बिल्कुल बहुत कम, पॉइंट टू पॉइंट, कि जितनी भी एनर्जी है ना भाई, ये ऑडियंस और जो हमारी ये यूट्यूब की फैमिली है ना, इसके लिए बचा के रखता हूँ भाई, इनके लिए एकदम, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने भाई बंधु आप सबके लिए भाई, आप सबके लिए तो हम हाजिर हैं हर तरीके। हाँ। तो भाई कुछ भी करवा लो हम पे, लेकिन वैसे तो भाई हर तरीके का होता है भाई, सुबह खाना खाना है, शाम को खाना, सो जाना, फिर उठ के भाई फिर वही। तो अभी आने वाले टाइम कैसा रहने वाला है? तो YouTube को कभी अंदर से देखते हो, मतलब लाइक आप रिव्यू करते हो कि क्या डिमांड चल रही है आज के डेट में, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ ऐसा सोच के कुछ प्लान करते हो? हाँ भाई, ये तो अगर हमें अच्छा क्रिएटर बनना है ना, तो ये चीज तो भाई देखनी होगी कि फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब यूट्यूब को या हमारी ऑडियंस फैमिली है उसको क्या क्या चीज चाहिए। अगर हम वो दे रहे हैं ना, तो ही चल पाएंगे भाई, वरना तो फिर घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। घर वाले भी नाराज हो जाएंगे। यही है कि तो जनरली आप अपने जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, तो किस तरह का रोल करना चाहते हो आप? लाइक ठरकी वाला ज्यादा अच्छा लगता है, या थोड़ा बदमाशी वाला ज्यादा अच्छा लगता है, रोने धोने वाला ज्यादा अच्छा लगता है? ना भाई आप हंस गए, ठरकी नहीं है। मैं सोच रहा था आपको कौन सा रोल अच्छा लगता है, चलो ये बताओ। हाँ भाई, मुझे ना मुझे भाई ठरकी वाला तो इतना ना लगता, मतलब भाई मुझे ना मतलब नॉर्मल रोल अच्छा लगता है, जो ज्ञान देने वाला होता है ना, कि भाई मैं अपनी जो फरीदाबाद रॉकर्स की वीडियो ना, उसमें भाई मैं ज्ञानी बाबा रहता हूँ, मतलब आके भाई ऐसा मत करो, ये ना करना चाहिए, वो ना करना चाहिए, वीडियो के एंड में जैसे बोलते हैं, वो भाई मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लोग ना भाई सुनते हैं और उसको कॉमेंट करके बताते भी है भाई, अपने आप से रिलेट करता हूँ उस चीज को, वो रियल में अच्छा लगता है फरीदाबाद रॉकर्स पे और एलिस भाई पे। भाई ठरकी रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे लगता है भाई, सीधा मुझे ना लगता, सीधा मुझे लगता। वैसे जिनको जो समझ रहे थे वो समझ गए। हाँ भाई, मुझे घर भी तो जाना है। हाँ घर भी तो जाना है। हाँ भाई। जैसे मैं वीडियोस में देखते हैं, ठीक है, कि रोने वाला जो सीन आता है वो काफी थोड़ा इमोशनल वाला जो चला जाता है, बट अगर मैं रियल लाइफ में उसको पूछूं कि रोना एक वीकनेस है या स्ट्रेंथ है?
भाई आप, देखो, आपकी लाइफ में क्या है रोना? मैं बताता हूँ कि जैसे एक रोना हो गया, एक दिल पे बोझ, दिमाग पे एक ऐसी चीज आ गई। अगर आदमी, हर इंसान का ना एक कोई हमराज रहता है जिससे वो अपनी बात शेयर करता है, जिसका वो ना ना भाई, उसका कोई भी ना, वो घुट घुट के जीता भाई वो इंसान। बेशक वो उसका हमराज उसकी वाइफ हो, उसके पापा हो, उसका कोई दोस्त हो, लेकिन वो जरूरी है भाई। अगर हम ज्यादा दुखी है ना, आंख आंसू आने जरूरी है। अगर आंख आंसू आएंगे ना तो भाई आदमी फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा भाई, टूट जाएगा, उसे अपने भी भाई पराये लगने लग जाएंगे, वो हर हर इंसान से नफरत ही करने लग जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा दुखी है तो आंख आंख आंसू आने जरूरी है, और वो किस बंदे के आगे आ रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, नहीं भाई पब्लिक मतलब वैसा दुख में आके पूछ लेगी और हंस के उड़ा देगी भाई। जैसा अभी तो कहेगी, यार भाई तू बहुत दुखी है, क्या बात होगी, सुन लिया बाहर जाके, ए साला रो रहा है यार, मजे लेने वाले ज्यादा भाई। तो इसलिए बस वो होना चाहिए कि कौन बंदा ऐसा है जिसके आगे हम अपना दुख बांट सकते हैं भाई। हर किसी का आगे अपना दुखड़ा मत रोना भाई, मजाक बन के रह जाओगे। अभी आपने हमराज की बात करी, तो आपकी लाइफ में कौन ऐसा इंसान है और कौन आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है? भाई मेरी वाइफ है। ओके ग्रेट। ये मतलब मजाक तो वैसे हटके सीरियस बता रहा हूँ, वाइफ है मेरी, अभी की बता रहा हूँ कि करीबन एक दो महीने पहले एक फॉर्च्यूनर आई थी हमारे घर। तो पापा वैसे स्कॉर्पियो लवर है हमारे, शुरू से स्कॉर्पियो रखी भाई पापा ने, मेरी वजह से टूट गई थी भाई वो। अच्छा हाँ भाई, मेरी वजह से टूट गई थी, पर कोई बुरा ना माना। तो फॉर्च्यूनर आई थी तो पापा ने भाई उस पर हाथ लगा के देख रहे थे ऐसे कि भाई मजबूत है, सही है उस बंदे के साथ। तो मैं वहां दूर खड़ा था, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, मैंने फोन रख दिया भाई। जब पापा वहां से निकल के जा रहे हैं ना, पापा ने भाई मुड़ के देखा फॉर्च्यूनर को, और मैंने जब ही ठान ली, मां का भाई ये तब बापू के पास आनी है अब भाई। वो बेटा ही क्या जो बाप के भाव ना समझ पाए। क्या बात है अनु भाई, क्या बात है, क्या बात भाई। यार डेढ़ महीने में खड़ी कर दी मां का, और भाई सरप्राइज, और पापा को भाई घर में पता ही ना, बिल्कुल घर में किसी को भी ना पता, वाइफ को पता है मुझे पता। इवन मैं ना एल्विस के और दयाल के व्लॉग देख रहा था, तो फादर साहब की हैप्पी मतलब खुशी अलग ही लेवल की थी, उन्हें विश्वास ही ना हुआ। वो क्या वीडियो बना के कोई गाड़ी थोड़ी ले सकता है, पर भाई काम मेहनत करके कोई कुछ भी ले सकता है, मेहनत करके कोई। लेकिन खुश है भाई, अब भी मेरे तो कह रहे थे मैं लेके आया हूँ भाई के पास गाड़ी। हाँ हाँ, अब कह रहे थे पार्किंग में हिसाब तो लगी है, मगर ठीक है पापा वीडियो मत करिए कि उनकी गाड़ी है, सिगरेट ना लग जाए। हाँ भाई, पर खुश है भाई बहुत, एकदम मस्त। अभी आपने एक बात बोली कि वीडियो बना के कोई गाड़ी कैसे ले लेता है, मुझे ये इवन जनता के लिए भी है और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनके लिए भी है। लोगों को ऐसा लगता है लाइक YouTube रातों रात ना आपको पता नहीं क्या दे देता है, बट एक्चुअल में YouTube की असलियत क्या है, क्या उसके पीछे के एफर्ट्स हैं, क्या आपकी मेहनत है, वो मैं चाहता हूँ जनता को शेयर करो। हाँ देखो भाई, आप किसी भी यूट्यूबर को ले लो, किसी को भी, आम लोग ना एक मिनट में कह देंगे भाई देख वायरल हो गया भाई, उठ गया भाई, मिलियन में पहुंच गया। आज वो मिलियन में पहुंचा ना, उससे आगे के जो पिछले वो 3 साल हैं उस पे किसी ने ध्यान दिया? उसकी 3 साल की मेहनत देखी किसी ने? उसकी 3 साल की मेहनत ना देख रहे, अब ये कह दिया भाई उसका YouTube उठ गया और हम भी बनाते हैं, हम भी उठ जाएंगे। भाई बहुत मेहनत है, कई कई साल निकल जाते हैं, पूरी लाइफ भाई दाब पे लग जाती है। कोई बंदा अपनी नौकरी दाब पे लगा के और यूट्यूब पे उतर रहा है भाई, बहुत रिस्क तो है लाइफ में, जरूरी ना हर इंसान कामयाबी हो। मेहनत करते करते कोई 2 साल में कामयाब हो रहा है, कोई भाई 10-10 साल लग जाते हैं, तरीका है, लेकिन भाई बहुत मेहनत है, मतलब ये चीज तो है ही ना। और जो मतलब ऐसे वायरल हुआ है ना भाई, वो ऐसे खत्म भी हुआ है। जो हम देखते हैं ना किसी भी चीज को, मैं नाम ना ले रहा, किसी भी चीज को देखते हैं ना, ओ भाई देखो ये रील वायरल होगी, भाई ये छोटा बच्चा फेमस होगा, या भाई ये लड़की फेमस होगी, वो आज कहाँ भाई। इवन ना बानो भाई, मैं ना एक चीज शेयर करना चाहता हूँ इस अपने BU चैनल से। मेरे पास भी ना काफी जैसे इंस्टा पे मैसेज आते हैं, भाई हमें बताओ कैसे वायरल हो, कैसे वायरल हो। ऑल्दो मैं कनेक्ट ना सबके साथ रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि यार YouTube पे कंटिन्यूटी आप रहो, अपने जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, प्लस आपका कंटेंट कुछ
अब कंटेंट क्रिएट तो आप कुछ भी कर लो, अब चाहे वो कॉमेडी हो, वो चाहे फाइनेंस का हो, वो चाहे मोटिवेशन का हो, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली ग्रो करो आप। हाँ। एकदम से वायरल होके भी ना चीजें सक्सेसफुल नहीं होती। आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, वो चीजें आपको लाइफ लॉन्ग जाकर कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देंगी। मतलब अपना ट्रैक पहचानना कि हमारा ट्रैक क्या है, अपने ट्रैक पे चलते रहो और एक टाइम रखो फिक्स, उस टाइम पे वीडियो डालनी है भाई चलोगे ही चलोगे। लेकिन अगर नू सोच रहे ना कि भाई अनूप भाई, परम भाई या कोई एकदम हमें सपोर्ट कर दे रहे, उठा दे, एक वीडियो उठ जाएगी भाई, अगले पे क्या करोगे, क्या करोगे? तो भाई बस ये है कि मेहनत करो, अपना ट्रैक पहचान और उस पे चलते रहो, रेलगाड़ी तो भाई रफ्तार पकड़ ही लेगी। तो ये है हमारा रैपिड फायर राउंड, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा, ये वाले क्वेश्चन से ऐसे मतलब आप टाइम भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, कंफर्टेबली होगा। मतलब भाई इस तरह तो डर ही लगता है ना बहुत। ना भाई क्या ही पूछ ले, आप पूछ ले। चलो हम शुरू करते हैं। आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? आप भाई मेरे पापा। चलो कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? ऐसा क्या है कि मैं मतलब कि अनूप भाई मतलब कि भाई मेरे से इतने दिन तक शूटिंग करा लो या कुछ समथिंग, कुछ ऐसा है? ये यूट्यूब के लिए ही है ना, या कुछ भी आप बोल सकते हो। हाँ भाई, मेरा ना अब तक का ये, मैं 48 घंटे लगातार भाई मैंने शूट कर रखा है यूट्यूब के लिए, 48 घंटे, ये मेरी स्ट्रेंथ है भाई। काम को लेके कोई वो नहीं है। हाँ भाई, मेरी आंख रेड हो गई थी लगातार भाई, कराया बिना सोए मैंने 48 घंटे भाई कराई है, बिना रेस्ट लिए 48 घंटे मैंने खुद ने कर रखा भाई शूट। क्या बात है। ऐसी कौन सी फनी चीज है जो आप अपने घर पे बच्चों के साथ करते हो? बच्चों के साथ? बच्चे भी देख रहे होंगे यार। हाँ बिल्कुल देखेंगे। कि पापा ऐसा तुम क्या करते हैं यार भाई? हाँ मैं ना मतलब अपने बच्चों को बोलता हूँ, तुम ना पढ़ाई कर लो, अच्छे तरह पढ़ लो, और भाई 3 बजे के बाद ना तुम GTA 5 खेलना, वीडियो गेम खेल लेना, और भाई फिर मैं खेलने ना देता हूँ। अच्छा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव चीज अभी तक की क्या परचेज करी है लाइफ में? भाई फॉर्च्यूनर। तो महंगी भाई लाइफ की फॉर्च्यूनर है भाई। चलो लास्ट, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट योर यूट्यूब करियर, जो आप कैरेक्टर प्ले करते हो, सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन सा लगता है? अब देखना अब फंसोगे आप। बोल दो भाई, मुझे टर्की मास्टर अच्छा लगता है भाई। होगा देखा जाएगा, होगा देख, झूठ ना बोल रहा भाई, देखो होगा देखा जाएगा। हाँ। सच बोल दिया भाई अनुप, दैट इज यार वो आपका कैरेक्टर। हाँ, है यार character, आप उसको YouTube पे कर रहे हो। अच्छा बेहतरीन कर लेता हूं भाई। हाँ, मुझे हां टर्की कर दो ठीक। तो और बताओ अनुप भैया, कैसा लग रहा है? एकदम भाई फर्स्ट क्लास है। आप अपनी ऑडियंस को या जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? भाई मैं ना बस ये कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में ना बहुत मतलब अपना वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब पा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, बस उन्हें एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि ना भाई मेहनत करो, कामयाबी मिल जाएगी। मतलब वो चीज शॉर्ट के तरीके में मत जाओ कि कम टाइम में कुछ भी ऐसा करेंगे, मेहनत करो भाई मिल जाएगी कामयाबी। मतलब वो चीज अपने माइंड में मत लेगा कि भाई उसमें नुकसान रहेगा। तो भाई बस आप सब तो यही कहना चाहूं कि भाई मेहनत करो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, हार मत मानना। और सारी लाइफ जर्नी, अपना करियर, अपने कैरेक्टर्स, अपनी पर्सनल चीजें शेयर करके कैसा फील हो रहा है भाई? एक ना मतलब खुशी सी हो जा कि ठीक है, हमारे जो दिल की और जो दिमाग में कुछ भी बात रहे वो मतलब सबके सामने है भाई, एकदम बाहर निकल का हुए तो अच्छा लगे कि ठीक है, जो हमारे दिमाग में बात रह रखी है वो आज आप सबके बीच में है भाई। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, यार दोस्त फैमिली परम भाई। तो हाँ भाई अपने विचार रखते हैं तो भाई अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे एक बर्डन भी खत्म हो जाता है भाई, क्योंकि आगे भी विचार लेने फिर वो भी बताने भाई। वही तो बताने बिल्कुल। हाँ। वैसे मैंने ना आप हम शुरू में डिस्कस नहीं किया था, तो जो ये मैं हर गेस्ट के साथ में डिस्कस करता हूँ, जैसे अब आपसे फोन पे बात हुई तो आपसे मैंने डेट फिक्स कर ली कि चलो हम ऐसा शूट कर लेते हैं, बट मैं ना वो चीजें ना जनता को भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई इसको पॉडकास्ट बोलता है, कोई इंटरव्यू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, बट एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म का जो एक मोटिव है, ठीक है, जैसे आप लोग, आप हो, एल्विस भाई है या दयाल है या अभी तक जो भी आए हैं, ठीक है,
उन लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आके उनकी लाइफ जर्नी डिस्कस करना, उनकी लाइफ जर्नी, उनकी ऑडियंस, आने वाले यूथ, अपकमिंग यूथ जो है, या जो कुछ क्रिएटर्स या जो कुछ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो। हाँ भाई, तो ये इस चैनल का मोटिव है। हाँ, ये माध्यम है इस चैनल का। हाँ। कि भाई जैसे लोग अगर ये देख रहे हैं ना, भाई ये एकदम मस्त जी रहे हैं, ये क्या ही खाते होंगे, क्या रहते होंगे, हाँ भाई ये कहाँ कॉफी पी रहे हैं या घर में रोटी चटनी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, भाई हम खुल के बता रहे हैं भाई। हाँ। आपकी तरह ये हम ऐसे ही है भाई सारे, मतलब कोई वो ना, हमारी रियल लाइफ है वो, परम भाई के माध्यम से आपके बीच में आ गई भाई, ये हमारी रियल लाइफ है। स्क्रीन पर कुछ भी देखते हो पर असलियत में भाई हम ऐसे है। और हाँ, मुबारक हो आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ भाई, यूट्यूब पे 1 मिलियन हो गया। हाँ, मेरे बारे में भी कुछ बोल दो कि मेरे भी करवा दो जल्दी से भाई। परम भाई के ना, मैं कह रहा हूँ इतनी शेयर मार दियो भाई, या बोर्ड पोस्ट कार्ड है यार भाई, मतलब फैला दो भाई। हाँ, सिस्टम। और भाई जल्दी से 1 मिलियन होने के बाद ना फरीदाबाद आ जाओ, फिर पार्टी करते हैं। और भाई कर दियो, ठीक है, फैला के कर दियो परम भाई के, वरना फिर हाथ भी तो जोड़ लें भाई। हाँ। यार भाई कर दो, कर दो यार, कर दो यार। हाँ। कर दो। तो चलो इस वीडियो को करते यहीं पे, एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। बाकी तो प्यार है ही प्यार है पूरा। चलो।